आपका स्वागत है तो चैनल चपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और आज मैं खेलने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्केरी गेम। बहुत टाइम बाद में स्केरी गेम ट्राई कर रहा हूँ और जिन जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारी स्केरी गेम में चिल्लाना ज्यादा होता है। हाँ, तो अगर आपके पास ये हेडफोन्स आपने कान के अंदर घुसेड़ कर रखे हैं तो उसका वॉल्यूम डाउन कर दो, क्योंकि या तो हेडफोन खराब जाएंगे हाई वॉल्यूम पर या तो आपके कान खराब जाएंगे, या तो दोनों खराब सकते हैं, आपका पता नहीं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के मेरा माइक जरूर खराब होने वाला। तो बेसिकली गाइस, गेम का नाम है एस्केप द बैक रूम्स और यहाँ का फंडा सिंपल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम्स दिए जाएंगे और आपको उन रूम्स में से एस्केप करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने गेम का फंडा आपको समझा कर रखा है और मैं गारंटी बता रहा हूँ इतना सिंपल नहीं होने वाला। एंड ये देखो भाई, हेलो, पूरे 200 रुपए देके मैंने गेम खरीदी है, एटलीस्ट ग्राफिक्स तो ठीक कर लिया करो यार, इतना ब्लरी क्यों दिख रहा है? क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी है क्या? व्हाट, हैंग ऑन अ सेकंड, आई थिंक गेम के अंदर कुछ ना कुछ होगा। विजुअल इफेक्ट्स ऑफ कर दो, शो बॉडी ऑन कर दो। अगर मैं अभी इसको क्लोज करके देखूं तो वाह, डेवलपर साहब देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ओपी दिमाग। बट एनीवेज गाइस, दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते और यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और आते ही गाइस, इन लोगों ने मेरे को बहुत ही बड़ा मेज देकर रखा हुआ। तो बेसिकली एनवायरनमेंट गेम का अंधेरे के अंदर शुरुआत में देखो, मैं फंडा बता रहा हूँ, स्केरी गेम और डार्कनेस दोनों मैच नहीं करते, ये कॉम्बिनेशन कभी मत करा करो। हमेशा स्केरी गेम जब भी खेलते हो तो गाइस, हमेशा आपने रहना होता है रोशनी के अंदर। वैसे रोशनी के अंदर कितना बड़ा इन लोगों ने रूम बना कर रखा है यार। पर एनीवेज गाइस, मेरे को यहाँ से बाहर निकलने का फंडा ढूंढना पड़ेगा और ऑब्वियसली इतना बड़ा रूम है और इतने बड़े रूम के अंदर कोई ना कोई डरावनी चीज। अच्छा, मैं ही थक गया। अभी भागा कहाँ पे हूँ भाई? उस ब्लॉक से भागना शुरू किया था मैंने, दूसरे वाले ब्लॉक से, और यहाँ पर आया और 2 सेकंड के अंदर थक गया। ये बंदा गोश्त से भागने की कोशिश करेगा। ओके, फिलहाल गाइस मेरे को ज्यादा मचड़ मचड़ नहीं करनी, ठीक है, पूरा गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है। और बहुत ही ज्यादा बड़ा मेज है। नॉर्मली गाइस, जब ऐसे एक तो हॉरर गेम का पता क्या होता है, लाइक कुछ होगा भी नहीं, फिर ही मेरे को अनजाने में चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो एक बार फिर से गाइस, मैंने वहां से गेम शुरू की थी और यहाँ पर आ चुका हूँ। ए, अरे पर्दे लगे हैं, क्या मैं यहाँ से घुस सकता हूँ क्या? अच्छा, हरकतें नहीं करते, गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन मेरा बिगड़ रहा है और मेरे को अपनी जो है रनिंग वाली स्पीड अबिलिटी जो है वो भी मेरे को वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ेगा तो ये अबिलिटी, व्हाट, मैं क्राउच भी कर सकता हूँ, व्हाट, अरे मेरे को पता भी नहीं था यार। ओके, अभी मेरे को क्राउच करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं वहां से आया था और यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिला, तो एक काम करते हैं, इस वाले रूम के अंदर चलते हैं। नॉर्मली पजल्स होते हैं ना, तो मेरा एक चीट है मेरे पास पजल्स को कंप्लीट करने का, और वो चीट ये है, मुझे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वॉल को फॉलो करना। लाइक इवेंचुअली देख, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वॉल को फॉलो करूंगा ना, तो ये इवेंचुअली कभी ना कभी, लाइक उम्मीद पर दुनिया कायम होती है गाइस, ठीक है, हम हमेशा उम्मीद रखते हैं। Think positive, वो think different नहीं, think positive. Yeah. मेरे को लगा था कि ये left hand side की दीवार follow करते 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 कभी ना कभी मैं, मेरे को लगा cockroach था यहाँ पर, तो यार कभी ना कभी मैं exit तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन I think ये मेरे को वापस entry तक लेके जा रही है। अबे कैसा भूल भुलैया है भाई? ओ भाई, मैं थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ यार। होली शिट, वाकई में कोई है? ओके, थोड़ा बहुत ऊपर कर लेते हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, मैं एक्चुअली फुल वॉल्यूम पर खेल रहा हूँ यार। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी ये गेम फुल वॉल्यूम पर खेलते हुए, क्योंकि भाई मेरी 32 एक्चुअली गुल हो चुकी थी। मैं एक्चुअली डर गया था, आपने मेरे शायद एक्सप्रेशंस देख लिए होंगे, मैं लिटरली डर गया था, मजाक नहीं कर रहा। और अभी मेरे को बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा भाई, इतने सारे रूम्स हैं, मैं अभी तक पहला रूम ही पार नहीं कर पा रहा भाई। मेरी इन्वेंटरी वगैरह कुछ है कि नहीं? अच्छा, मैं क्राउच, अच्छा पीक भी कर सकते हैं पबजी की तरह, ये देखो गिच्ची डिंगी करके कहीं उधर से आ ना जाए यार। ओके, ज्यादा नोटिंग नहीं करता यार यहाँ पर। वैसे मॉन्स्टर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, वार्निंग देके आ रहा है। कभी कभी आप गेम खेलते होते ना हॉरर गेम्स, एकदम मुंह के ऊपर जंप स्केरी वाले जो है मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लाइक गोस्ट वगैरह आ जाते हैं। ये बड़ा थोड़ा शरीफ है, ये चिल्ला के आ रहा है, पूरी वार्निंग दे के आ रहा है। तो ये बात इस मॉन्स्टर की मेरे को बहुत अच्छी लगी, और इसी बात के लिए हम इस मॉन्स्टर के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, नहीं दबाएंगे फिलहाल। ओके, और हम साथ ही के साथ एक लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये मॉन्स्टर, मैंने भी कुछ देखा वहां पर यार, अभी मेरे को क्राउच करके जाना यार। लास्ट टाइम की जो तो चीख निकली ना, हाय, बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल की थी।
इमेजिन वो क्राउच करके मेरे पीछे आ रहा है कितना ज्यादा फनी होगा। अब जाना कहाँ पर है यार, आई थिंक मैं घूम के वापस जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर जाना। और मैंने गलती कर दी, मतलब कि जहाँ से मेरे को मॉन्स्टर मिला था ना, आई बिलीव मेरे को उसी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सही किया होगा उसको ट्रिगर करने के लिए। ऑलराइट लेट्स गो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसको कानों के ऊपर डालने के लिए। चलते हैं अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं इतनी फुल वॉल्यूम पे खेल रहा हूँ ना कि मेरी यहाँ से आवाज बाउंस होके वापस माइक्रोफोन के अंदर जा रही है। बट एनीवेज, छू गैंग के बंदे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। अभी मेरे को थोड़ा बहुत डार्क साइड जो है एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। ये लाइट फ्लिकर हो रही है, इसको एक काम करते हैं, इसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं। तो ये लाइट फ्लिकर हो रही है, मैं यहाँ पर इसका मतलब पहले कभी नहीं आया। तो काम करते हैं, इसी दिशा में चलते हैं। यार जिस लेवल का मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, मतलब कि गेम के अंदर जितने भी प्रोग्रेशन हो रही है, प्रोग्रेस भी चल रही है, और उसी लेवल की भाई अपनी हार्ट बीट भी ऊपर जा रही है। फिर से मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। आई नीड टू फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ हियर। नो शिट, मेरे को तो पता भी नहीं था। हाँ नहीं, हम तो गधे हैं। नहीं, इसको लगा मैं इतना गधा हूँ कि मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। नाइस है भाई, मेरे को अभी यहाँ पर वार्निंग आ रही है। ब्रो मेरे को गेम बता रही है कि भाई अगर तेरे को गेम के मैकेनिक समझ नहीं आ रहे तो मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को बेसिकली यहाँ से बाहर निकलना है। डेवलपर को लगता है कि हम नूबड़े हैं। देखो मेरे को पता है मैं स्मार्ट बंदा नहीं हूँ गेमिंग की दुनिया में, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना नूब वाली हरकतें मेरे को नहीं करनी। मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेरे को मॉन्स्टर कैसे ढूंढ रहा है। गाइस वॉल्यूम डाउन कर लो, मैं वॉर्निंग दे रहा हूँ, वॉल्यूम डाउन कर लो। ओ भाई, वैसे ऑब्वियसली लास्ट टाइम मैं ये जगह के ऊपर नहीं आया था, तो आई बिलीव कुछ ना कुछ मैं सही कर रहा हूँ। अरे मेरी शैडो, ये मैं हूँ। हेलो मैं चलांगे मार सकता हूँ यहाँ पर। ओके गेट बैक टू द गेम ब्रो, कोई सडन मूवमेंट नहीं करनी मेरे को, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मेरा एटलीस्ट इंटरफेस भी नहीं है कि मैं कितना थका हूँ, कितना भागना है मेरे को, और मैं कितनी स्प्रिंट करने के बाद थक जाऊंगा। कुछ भी देखे नहीं रखा, पूरा ब्लैंक स्पेस दे के रखा है। और ये ट्यूब की आवाज मेरे कान के अंदर गूंज रही है। आवाज डाउन कर लेते हैं। आवाज बिजली के खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो जितनी तेजी के साथ आप ये शॉर्टकट मार के आ रहा है। मेरे को लगा था कि मेरे पीछे घूम के आएगा, लेकिन नहीं, शॉर्टकट मार के अंदर घुस गया ये भाई। हेलो हमारा प्यारा एंडरमैन। देखो मैंने माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेली है, और मेरे को पता है कुछ नहीं पता मेरे भाई, मेरे को कुछ नहीं पता यार। तू मेरे को डरा मत प्लीज। इन्वेंटरी भरने के लिए कोई ना कोई चीज तो मेरे को देख के रखी होगी यार। कुछ भी नहीं है यार, एटलीस्ट एक ट्यूबलाइट ही दे दो मारने के लिए यार, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ओके एंडरमैन अपना भाई है भाई, खबरदार एंडरमैन के बारे में किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की। एंडरमैन अपना भाई है, हाँ एंडरमैन सिर्फ माइनक्राफ्ट के अंदर ही नहीं होते, इस वाली गेम के अंदर भी होते हैं भाई। एंडरमैन की आंखों के अंदर मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना। और अभी हम ऐसे नीचे देख के जाएंगे, नीचे बिल्कुल माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करके नीचे देखते जाएंगे। नीचे तो देखता ही नहीं है किसी की तरफ, हम सिर्फ उसकी पैरों की तरफ देखेंगे। और गाइस मैंने बात नोटिस की, लाइक जो मॉन्स्टर मेरे को कुछ दिखा, हालांकि देखने के बाद मेरे को भागना चाहिए उल्टी दिशा में, मैं उसके पास जा रहा हूँ। लॉजिक देख रहे हो, ये होता अपना गेमर लॉजिक भाई, हमें कंटेंट निकालना होता है भूत से भी, हाँ गेमर लॉजिक होता है ये। ओके मैं लास्ट टाइम इस तरफ आया था, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक बात नोटिस की है कि ये बंदा जो भूतिया जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एंडरमैन का भांजा, ये केबल से बना हुआ है, पूरा तारों से बना हुआ है। आई थिंक इसको टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने टेक्नोलॉजी अपने साथ ही लपेट ली। सही फंडा भाई, सही लॉजिक है, जिसने भी ये लॉजिक सोचा भाई बहुत आगे जाएगा भाई। अभी मैं क्या ही तेरे को बोलूं भाई, मैं क्या ही तेरे को बोलूं, मैं क्राउच करके क्यों जा रहा हूँ यार, उठ के चल भाई, हम शेर बंदे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इस गेम में फिलहाल अपना शेरपन थोड़ा वीक पड़ रहा है, लेकिन है शेर बंदे। माइनक्राफ्ट के अंदर आ, तेरे को बताता हूँ मैं नूबड़े कहेंगे भाई। मैंने बड़े बड़े ड्रैगन मार दिया, विदर मार दिया, सबको मार दिया, और तू क्या चीज है, यहाँ पर पहले नहीं आया यार। अरे आ चुका हूँ, एक काम करते हैं फिर से वापस चलते हैं। मेरे को तो पता भी नहीं है भाई, कोई रेफरेंस कोई ना कोई तो हिंट होगी ना कि भाई मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ और मेरे को यहाँ पर फिर से नहीं आना। कोई तो कोई एटलीस्ट एक हिंट तो होनी चाहिए यार गेम के अंदर। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, और जब मैं घबराता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। ओके यहाँ पर पहले मैं नहीं आया, डेफिनेटली पूरा कार पार्क लग रहा है मेरे को, यहाँ पर 50 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, इतनी जगह यहाँ पर। ओके अभी चलते हैं यहाँ से राइट। Oh my God! अरे
पहला रिंग हमने पार कर दिया भाई। और अभी से करते हैं पूरा फुल वॉल्यूम, हम खेलेंगे ये गेम एकदम फुल वॉल्यूम के अंदर। देखो नॉर्मली जब बंदों से मिलते हैं ना तो पहले नमस्ते बोलती हैं, ये पहले अटैक कर रहे हैं भाई, करना क्या है मेरे को? फिर से आएंगे अभी। ओ शिट, अरे मेरे को एटलीस्ट बता दो, ना कोई हिंट तो देना। मैंने भाई एक बात नोटिस की, जितने भी लाइटें बंद हो रही है ना, यहाँ की लाइट बंद नहीं हो रही, यहाँ की लाइक अब बात तेरी भैंसी है वाह, ये देखो बाहर आ रहा हूँ अंदर जाऊंगा, बाहर आ रहा हूँ अंदर जाऊंगा। अच्छा ओके, बेसिकली आपको रोशनी के अंदर रहना है। और अभी फिर से शुरू हो चुका है और भाग भाग के यहाँ चलते हैं बिल्कुल रोशनी के अंदर। और ये देखो किसी का अमेज़न का पार्सल भी यहाँ पर आ चुका है, लेट्स गो। आई थिंक तुम लोगों का पार्सल यहाँ पर आ चुका है, कितने सारे हैं यार, 1, 2, 3, वो देखो दूर दूर तक घूम रहे भाई, भाई कितने। ओह माय गॉड, ओके तो यहाँ पर दरवाजा खोला है, तो वाकई में खुल गया। नॉर्मली गेमों के अंदर दरवाजे वगैरह बंद होते हैं लेकिन यहाँ पर खुल चुका है। ओके मैं अंदर जाऊंगा क्योंकि अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया ना तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। और अगर मैं इस वाले कमरे के अंदर जाकर देखूँ तो कुछ भी नहीं है। ओके समझ गया समझ गया, ये टक टुक मत करो यहाँ पर, बंदा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा, टक टुक टक टुक। उतरे हेलो, बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, दंत मंजन यूज करते हो, कितने व्हाइट व्हाइट टीथ है इसके यार, पूरा दिन में टीम टाइम बंदा ब्रश करता होगा। भागो, थकता नहीं है तेरे को टूपड़े। अरे यार मैं पहुंच नहीं वाला था यार, एंड मौके पर बंदा जाके थक चुका है यार, पागल बंदा। ओके काम करते हैं, मैं फंडा समझ चुका हूँ, मेरे को सारे रूम यहाँ पे चेकआउट करने होंगे, तो बत्तियां बुझेंगी और मेरे को यहाँ पर वेट करना है। इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं यार, ये फालतू के टकटुक के लोगों ने बचा के रखी है, हुआ कुछ भी नहीं है गेम के अंदर, ये ठा ठू बचा के रखे मेरे को डराने के लिए। ओके नो टाइम टू वेस्ट, नो टाइम टू वेस्ट, गो 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 गो। अभी बोलता हूँ पागल बंदे, जिम जाया कर टाइम से। ओके भाग 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 भाग, अभी मैं बिल्कुल कोने के ऊपर यहाँ पर वेट करूंगा, बिल्कुल कोने के ऊपर। हाँ जैसी बत्ती चली भागो, फंडा समझ में आ चुका है मेरे को भाई, इनको ट्रोल करने का फंडा समझ मेरे को आ चुका है क्विक। अरे यार कैसे करना है भाई, यहाँ पर कुछ है क्या कमरे के अंदर, यहाँ पर घुस कर देखते हैं तो। ओके कमरा ही सील हो गया यहाँ पर, कमरा खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया, नाइस। एंड भागो, अरे मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया भाई, बच गया। ओके यहाँ पर एक और कमरा बना हुआ है, इसको खोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इस तरफ जाके देखूँ तो यहाँ पर एक और कमरा बना हुआ है और ये भी खा लिया, नाइस वेल डन मेरे भाई। ओके आई मेरे को फंडा समझ में, ओके ये तो ये बिल्कुल पास में आ चुके हैं यार। ओके मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ तक भाग पाऊँ। और ये कौन बत्तियाँ चला के बंद कर रहा भाई, है क्या प्रॉब्लम क्या तेरे को? भागो, ओ प्लीज थकियो मत, प्लीज थकियो मत, प्लीज। बच गया। ओके एक और कमरा, ओके मेरे को कमरा थोड़ा बहुत आराम से खोलना चाहिए, आते ही कहीं मेरे को सरप्राइज ना मिल जाए। ओके ये कमरा भी खाली है, और इसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट वाला कमरा, पहले मेरे को जाके थोड़ी बहुत स्काउटिंग करनी और देखना कि नेक्स्ट वाला कमरा है कहाँ पर। ओके बाहर नहीं निकलते, ओ बिल्कुल कोने पर ही खड़ा है भाई, तेरी तेरी पॉलिटिक्स में समझ चुका हूँ तेरी सियासत। ओके यहाँ पर कुछ नहीं है, नेक्स्ट कमरा बिल्कुल सामने ही है। हेलो गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तू मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे को डराने की कोशिश कर रहा है भाई, दोनों डरे हुए बंदे हैं, भागो प्लीज थकियो मत। ओके कितने पार्सल है यार। ओके यहाँ पर अगर ये वाला कमरा खोले तो कुछ नहीं है, इस कमरे के अंदर डेफिनेटली भूत होगा, कुछ नहीं है, बच गया। ऑलराइट अभी कौन सा कमरा आता है, अभी वो वाला कमरा, तो ये वाला कमरा आई थिंक थोड़ा बहुत पास। अबे कितने कमरे तुम लोगों ने देख रखे हैं मैन, हेलो कैसे, ओ नहीं भागो, ये फाइनल दरवाजा अपना, फाइनल दरवाजा प्लीज, अबे मत रुक। ओह फाइनली लेट्स गो, इस वाले दरवाजे के पीछे क्या है, कुछ नहीं, कम ऑन ब्रो यहां पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेट्स हिट इट। आई थिंक हमने ये वाला रूम भी एस्केप कर लिया यार, अभी मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, किस तरफ जाना है, वेट व्हाट, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ा कर देखता हूँ तो कुछ ना कुछ हिल रहा है। अबे कौन सा गोबर के पाइप है भाई,
इतना मोटा गोबर कौन कर रहा है अभी रात के 3 बजे? कोई है? अच्छा चंगी बात है कोई नहीं है, एक काम करते इस तरह चलते हैं, कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा बाहर जाने का रास्ता। मेरे को पूरा यहाँ पर, हाँ अगर तेरे को जोर सी लगी है तो आराम से कर ले भाई, आराम से कर ले, लंच एंड नॉट भाई, इट्स ओके। होता है कभी कभी ज़्यादा चर्बी वगैरह खाने से या छोले भटूरे खाने से हो जाता है, मतलब कि पेट के अंदर गड़बड़ हो जाती है, बट इट्स ओके, तू शांति से कर। तेरे करते करते मेरा गोबर तो निकल जाए यार, लिटरली गाइस मेरे सामने पाइप हिल रही है, कोई मरम्मत कर लो पाइप की नुबड़ाओ हैं। इतने बड़े बड़े भूत इन लोगों ने छोड़ कर रखे हैं, बंदा पर मरम्मत वाला बंदा अंदर आ भी नहीं सकता, वो पहले ही घबरा रहा है। क्या है गुरु सेकंड, क्या माई कहीं मरम्मत वाला बंदा तो नहीं हूँ क्या? आई डोंट नो, हो सकता है, हो सकता है। भाई मैं मरम्मत वाला बंदा हूँ, मेरे को ऐसे तंग मत करो भाई, मैं पाइप ठीक करने आया हूँ यहाँ पर। हाँ लगता है टॉयलेट करते समय उसको पानी की आवश्यकता बढ़ चुकी है, वो होता ना कभी कभी नल खोलते हो तो नल के अंदर से पानी नहीं आता, सिर्फ फूके ही आती हैं, वही सीन हो रहा है यहाँ पर उस बंदे के साथ भी। नो प्रॉब्लम ब्रो, मैंने पूरी ड्रिल वगैरह हाथ में पकड़ कर रखी हुई है भाई, टेंशन नॉट, मैं इतना लंबा टनल नहीं होता ठीक है, तुम लोग मेरे को भी बेवकूफ बना रहे हो ठीक है, इतना लंबा टनल गेम के अंदर हो ही नहीं सकता, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक काम करते हैं सर चलते हैं यार, थोड़ा बहुत वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ साइड में से निकल आएगा और मेरी बत्ती से यहाँ पर गुल हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ भागते भागते, और मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने एंट्री एक्चुअली मारी कहाँ से थी। राइट इसी दिशा में चलते हैं, बस ये ऑब्वियसली और कोई दिशा है भी नहीं, कौन सी दिशा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट और राइट ही है, और अगर पीछे मुड़ के देखूँ भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई पीछे मुड़ने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ही पीछे मुड़ूंगा ना कोई मेरे को आगे से पकड़ लेगा जब मैं वापस मुड़ूंगा, और है लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, फालतू की चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते भाई, भूतिया चीज़ों के अंदर पहली हालत खराब होती है और फालतू का दिमाग के ऊपर बोझ नहीं डालने का, कुछ नहीं होता भाई, मैं तो बिल्कुल भूतों के ऊपर विश्वास करता ही नहीं हूँ, कभी कभी मेरा विश्वास जो है डामाडोल हो जाता है, बट नॉर्मली हम लोग जो है नहीं करते विश्वास, नो चांस ब्रो, इट्स ओनली अ गेम यार, सिर्फ एक गेम है, ये गेम हमें नहीं डरा सकती, वो बात अलग है कि फिलहाल मेरी हालत टाइट हो चुकी है, बट मैं यहाँ से आया था क्या? हाय मैंने क्यों खेली यार ये हॉरर वाली गेम, ये मेरा दिमाग खराब था क्या? वैसे मेरे को लगता है कभी कभी ऊपर के माले के थोड़े बहुत स्क्रूज ढीले हैं, लेकिन इतने ढीले नहीं पता था मेरे को। कम ऑन भाग, कितना लंबा टनल है यार, और अजीब बात पता है क्या है, नंबर वन अजीब बात नंबर वन ये है कि मेरे को पता नहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि गलत दिशा में जा रहा हूँ, नंबर टू मैं आया कहाँ से था, इन्हीं जगहों के अंदर से एक जगह बनी थी जहाँ से मैं आया था, लेकिन वो जगह मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही भाई, भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, आई थिंक मैं एक लूप के अंदर फंस चुका हूँ भाई, टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, इतना बड़ा टनल नहीं हो सकता यार, और वो भी कार पार्क के अंदर। ओ कोई ना कोई बंदा जो है या तो पाइपों के अंदर पहला पीछा कर रहा है, या तो ये पाइप जंग के मारे शेक कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऊपर छलांगे मार रहा छत के ऊपर जिसकी मदद से ये पाइप शेक हो रही है। अब ऑब्वियसली यार तीनों सिनेरियो गलत है, लेकिन दिमाग को समझाने के लिए मेरे को फेक सिनेरियो बनाने पड़ते हैं, अब मैं क्या दिमाग को मैं क्या बोलूं हैं, भूत पाइप को हिला रहा है, अगर ये बोलूंगा तो और हेकड़ी, मेरे पास स्टोर से मेरे को पता भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने कुछ किया भी नहीं,
मैंने एक सेकंड के लिए देखा वहां पे दरवाजा बना हुआ था बाहर जाने का मैन, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आई मेरे को फंडा समझ में आ चुका है, मेरे को इस तरफ जाना है। विच वे डू आई सपोज टू गो? मेरे को बौखलाने की कोशिश मत करें, मेरे को समझ में आ चुका है किस तरफ जाना है। मेरे को पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही यार। टेम्पल रन चल रहा है यहाँ पर लिटरली, नो जोक, टेम्पल रन। मेरे को भागना है और मेरे पीछे अंकल जी आ रहे हैं। भाग भाग भाग, मुझे सिर्फ वो फ्लैशिंग वाली लाइट का इंतजार करना है। तो जैसे गाइस, ओए आ गया आ गया, ये रहा ये रहा ये रहा, ओ मैंने कर दिया यार। पार्टी रूम के अंदर आ चुके हैं यार। ओ माय गॉड, ये गेम मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा स्केरी गेम है यार भाई। है सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल है, लेकिन बाहर निकलने का जो आइडिया है वो बहुत हार्ड है यार। कोई ना कोई पकड़ रहा है आपको, जब भी बाहर निकलने की कोशिश करो कोई ना कोई आके आपको पकड़ रहा है। तो चलिए गाइस, हमने दो तीन रूम यहाँ पर कर लिया, बाकी के रूम्स हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरी पूरी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, तो अगर आपको इसकी और पार्ट चाहिए, तो प्लीज मेरे कॉमेंट सेक्शन के अंदर #part2 स्पैम करके देना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में।